हलचल टीवी न्यूज। बीओ 11 किसानों का पीला सोना जो कि मेहनत खून पसीने से मंडियों में लाया गया, वहीं पीला सोना किसानों को मंडियों में सुविधाओं के अभाव के कारण गलियों में भी जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ वहां से आने जाने वाले लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, जिसमें जाम की स्थिति निरंतर बनी रहती है। ऐसे में जमींदार व किसानों को लेबर ना मिलने के कारण खुद ही गेहूं के कट्टे भरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि हर बार इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मंडियों में किसानों के लिए हर प्रकार से सुविधा मुहैया करवाएं और उठान को लेकर पहले से इंतजाम करवाएं, ताकि आने वाले किसान भाइयों को परेशानी न उठानी पड़े। दोनों गांव से आए राम बज का कहना है कि मंडियों में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार से कोई सुविधा नहीं है, मंडियों की ओर प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं है और गेहूं का भी उठान नहीं हो रहा है। हमें गाड़ी मिले 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी गेहूं अभी तक गलियों में ही रखी हुई है, जिसकी वजह से हमें आवारा पशुओं का भी डर बना हुआ है। जमींदारों को भी भारी परेशानी हो रही है, मंडी के अंदर भी गेहूं को रखने की कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर सियासर गांव के बलकार ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी समस्या गेहूं के उठान को लेकर है, जो ये उठान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ता हर जगह से रुका हुआ है। हम अपने आप से कट्टों को हटाकर रास्ता बनाना पड़ रहा है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से आना पड़ता है, लेकिन काफी दिक्कतों के बाद रास्ता मिलता है। वहीं मजदूर सुभाष का कहना है कि हमें यहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं तो कच्चे में गेहूं को डालना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जगह हमारे हाथ में छाले पड़ जाते हैं गेहूं को इधर उधर ले जाते समय। मंडी में कहीं भी पानी तक का भी प्रबंध नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी के लिए यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए। बलकार सिंह जी, मेरा गाँव से तो जी रस्ते की समस्या सबसे बड़ी तो ये उठान नहीं रहा, कट्टे अट्टे पड़े हैं मंडिया में, डेंग लग रही है, अपना आप कट्टे अट्टा है जी, रास्ता करके कणक ले रही है, रास्ते नहीं मिल रहे जी, काफ़ी समय से कभी उधर से चल रहे कभी इधर से, रास्ते नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किल से यहाँ आके अब 2-3 घंटे में रास्ता मिला है, अपना आप कट्टे अट्टा है तब जा करके गेहूँ डाली है, यहाँ काफ़ी सड़कों पर पड़ी है बाहर गेहूँ, मंडी में तो जगह है ही नहीं, बड़ा दुखी है आज के दिन किसान, इतनी मेहनत से 6 महीने तक दिहाड़े भरा है, अनाज पैदा करा है और फिर यह समस्या आधा अनाज तो नहीं मजा ले है रेता मिट्टी में। समस्या तो भाई इतनी है, तुम्हें पूछा ना, तुम्हें कोई तो सिस्टम नहीं समझ, हर गली मंडी तो बाहर रह रहा सारा सौदा, कोई प्रशासन नहीं, कोई उठा नहीं रहा गेहूँ का, बिल्कुल कल परसों मिल गई हमने गाड़ी, 4 दिन हो गए हमने गाड़ी मिले गली के, गली में सारा माल पे आपने दिखा है, पूरे को साधन लगने लग रहा है, डांगर पशु हैं सारे ये तंग करने लग रहे हैं, जमींदारों का बुरा हाल हो रहा है, कभी मंडी में गेड़ इन्ना जगह नहीं, कोई उठान नहीं रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, कड़िया तो कच्चा में पड़ दिया, कड़िया थाले पड़ दिया, खिचड़ी में दिक्कत है, कड़िया में हमें बड्डा में पड़े हैं, कड़िया कुछ नहीं है, कड़िया पानी नहीं है, उठाने की बहुत दिक्कत है, एक पेशाब करने की लैटरिन की है, पेशाब करने की दिक्कत है, सरकार से मांग कर रहा है लैटरिन बाथरूम भी होने चाहिए, को अच्छी तरह सुधाई होनी चाहिए, मजदूर की भी किसान की भी सबकी सुधाई होनी चाहिए, हर उसमें गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी में मर रहे हैं। नरवाना से हलचल टीवी के लिए गुलशन कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।